नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद यूपी ट्रिपल एससी में। आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे जो 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक है। यह घटनाचक्र के एक सीरीज है जिसमें हम आपको जितने करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है उसको भी बताएंगे और जितने भी करंट अफेयर्स हैं लगभग सभी हम कवर करेंगे, या 2 या 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड किए हैं कि जिससे कि पढ़ने में भी आसानी हो और आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 28 और 29 को है, यही टाइम है रिवीजन का। मात्र 10-12 दिन बचे हैं, तो जितना हो सके आप लोग रिवीजन करिए। इसीलिए मैंने यह सीरीज शुरू किया हूँ कि जिससे कि आप 2 या 3 वीडियो में ही पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन कर लें, क्योंकि 10 नंबर करंट अफेयर्स आना है। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए या कोई प्रैक्टिस सेट, 10 नंबर का आता है करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यह करंट अफेयर्स 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर तक इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। पहला हम लोग देखेंगे, जैसे पहला दिया हुआ है, ड्रग्स व वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य की पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लॉन्च किया है नागालैंड पुलिस ने, मतलब ड्रग्स एवं वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए नागालैंड पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है। वही ऐप है नागालैंड के द्वारा यह शुरू किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है? मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शन एंड नागालैंड, मेड इन नागालैंड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है, जिससे कि आपका मतलब स्टेटिक्स जीके भी इसमें कवर हो जाएगी, मतलब मतलब शुरू से अंत तक आपको कवर की कर दिया जाएगा। हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात किस वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को अभी हाल ही में हुई, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। M.S. स्वामीनाथन, इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रथम वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। अगला हम देखेंगे, विश्व कॉफी सम्मेलन WCC का एशिया में पहला आयोजन किया गया, यह बंगलुरु कर्नाटक में किया गया। कॉफी सम्मेलन पूछा जाएगा, कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया में पहली बार हुआ है, यह भारत के बंगलुरु शहर में हुआ है। यह इसका कौन सा संस्करण था? यह जो कॉफी सम्मेलन हुआ था इसका 5वां संस्करण था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन और भारतीय कॉफी बोर्ड के द्वारा किया गया था। और इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना थे। और इस संस्करण की थीम क्या थी? जो कॉफी सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या थी? सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। हम अगला देखेंगे, इस संस्करण का शुभांकर कौन था? काफी स्वामी था। इस जो कॉफी सम्मेलन हुआ था बंगलोर में, इसका शुभांकरण कौन था? काफी स्वामी था। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी किस देश में की गई? जो 2023 के विश्व पर्यटन है इसकी मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, ये भी याद हो गया। और इसकी थीम क्या थी? पर्यटन और हरित निवेश इसकी थीम थी पर्यटन की। और अगला हम देखेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यह मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है पूछा जाएगा? तब भी मध्य प्रदेश में। 7वां का किस राज्य का बना? तब भी मध्य प्रदेश का। अगला हम देखेंगे, किन अभयारण्यों को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है?
जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, यह मध्य प्रदेश का सातवां है। तो दो मतलब कि दो अभयारण्यों को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है। एक है नौरा देवी अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर यह बनाया गया है। याद रखिएगा, नौरा देवी अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश का सातवां टाइगर रिजर्व हो गया है। अगर हम देखेंगे, दिया हुआ है कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए माता अमृता नंद मई देवी को चुना गया है। माता अमृता नंद मई देवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अम्मा के नाम से। वर्ष 2024 के लिए किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। 2018 के 2018 एवरीवन इज ए हीरो, यही आधिकारिक रूप से ऑस्कर के लिए नामित की गई है। अगला, इस फिल्म को किस श्रेणी के लिए चुना गया, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए। अगला हम देखेंगे, किस भाषा की है, मलयालम। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, जेड एंथनी जोसेफ हैं। एशियाई विकास बैंक ने किसे बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, भार्गव दास गुप्ता को। याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक ने किसे बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, भार्गव दास गुप्ता को। इनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष का। अगला हम देखेंगे, ये सूचकांक वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा। इस सूचकांक में कुल कितने देश हैं, 132, या संस्करण के तीसरा है 16वां। शीर्ष देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड और स्वीडन और यूएसए। मतलब पहला तो स्विट्जर है। अब इसमें हम भारत की रैंक देखेंगे और अंतिम की रैंक, अंतिम 3 देश अंगोला और नाइजर और बुरुंडी है। भारत की रैंक याद रखिएगा, बस भारत की जो नवाचार सूचकांक है उसमें भारत की रैंक 40वीं है, याद रखिएगा। इनका स्कोर कितना है, 38.1 है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी, द टाइम से हायर एजुकेशन द्वारा। इसमें 108 देश शामिल हुए थे, 1904 विश्वविद्यालय थे। प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम था और द्वितीय स्थान स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का था। अब इसमें हम भारत के देखेंगे, रैंकिंग में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल थे, 91। शीर्ष रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु का था। अगला हम देखेंगे, इंडिया इजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था, या UNFPA, भारत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के द्वारा यह जारी किया गया था, इंडिया इजिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की बुजुर्ग आबादी की कुल आबादी का कितना परसेंट हो जाएगा, 20.8, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला हम देखेंगे, भारत में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किस पत्तन के माध्यम से किया गया, या जो बीओ पत्तन है, चिदंबर नार पत्तन तमिलनाडु में स्थित है, वहीं से अमोनिया का आयात किया गया था। यह आयात किसके लिए किया गया था, तूतीकोरिन अल्कली केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा किया गया था। यह आयात किस देश से, मिस्र से किया गया था अमोनिया का। अगला, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के युद्ध कार्यकाल को लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है, विंस्टन चर्चिल के। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के युद्ध कार्यकाल
कार्यकाल को लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है, विंस्टन चर्चिल। इस होटल को कहाँ लॉन्च किया गया? लंदन के यूके में। इस कार्यालय को किसके द्वारा लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है? हिंदुजा ग्रुप और राइफल्स होटल्स एंड रिसोर्ट्स के द्वारा। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। और कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। यह दिवस किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? लुई पाश्चर के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रांतिकारी की 116वीं जयंती मनाई गई थी? भगत सिंह की। इनका जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। एक T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी? नेपाल। मतलब एक T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम बनी है नेपाल। इस टीम ने किस टीम के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की? मंगोलिया के खिलाफ। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है? एक एंजाइम है, यानी PET46 क्या है? याद रखिएगा, एक एंजाइम है। एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से, याद रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन विज्ञान का है, समझ लीजिए। PET46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाता है? समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने हेतु यह पेट का मतलब इसे बनाया गया है। पेट का पूरा रूप क्या होता है? पॉलीथीन टेरिप्थलेट होता है। अब हम कुछ राष्ट्रीय में देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं पर विभिन्न मंत्रालयों घटनाओं पर विशेष नज़र। अब कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया था, वाराणसी में किया गया था, या शिलान्यास किया गया था मोदी जी के द्वारा वाराणसी में। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान भवन के नाम से, याद रखिएगा दोस्तों, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीनों याद रखिएगा, या तीनों याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पुराने संसद भवन को अब संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। जो पुराना संसद भवन था उसे अब संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अगला, इस समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव विधि एवं विधिक स्मरण। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली कैंट में। इसका उद्घाटन किया गया था गुरबीर पाल सिंह के द्वारा, महानिदेशक NCC के। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह ग्रेटर नोएडा में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। यह पहला संस्करण था। वायुसेना का 43वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया था? 20 सितंबर 2023 को। नदी उत्सव का आयोजन कब किया गया था? 22 से 24 सितंबर 2023 को। यह संस्करण चौथा था। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, नदी सम्मेलन नई दिल्ली में। इसका आयोजन राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन तथा जनपद संपदा प्रभाग के द्वारा किया गया था। नदी उत्सव का मुख्य अतिथि कौन थे? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव थे। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में। जो आदि शंकराचार्य की स्टैचू है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंचाई लगभग 108 फीट है, याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे,
आदि शंकराचार्य किस सदी के भारतीय दार्शनिक थे? आठवीं सदी के महान भारतीय दार्शनिक थे। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इंडोनेशियन नेवी के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया था? INS सहाद्री ने। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पणजी गोवा में लाइट हाउस का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च किया है? ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में लोकसभा में कब पारित किया गया था? 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया था? 21 सितंबर 2023 को। यह संविधान संशोधन विधेयक था, 128वां था। इस विधेयक के शीर्ष क्या था? नारी शक्ति वंदन विधेयक। इस विधेयक का शीर्षक क्या था? नारी शक्ति वंदन विधेयक। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, चर्चा में बहुत ज़्यादा था, अभी भी चर्चा में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन तथा निर्माण को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ। किसने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेब पोर्टल शुरू किया है? मनोज आहूजा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के। इसका शुभारंभ का उद्देश्य क्या है? जो कृषि कल्याण के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है जो शुरू किया गया है? कृषि कार्य की पद्धति और क्रांतिकारी बदलाव लाना है। सितंबर 2023 में अर्धपालतू गोजाती पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। मिथुन एक अर्ध पालतू पशु है, इसे खाने के लिए मतलब मान्यता दी गई, आप खा सकते हैं। यह मान्यता FSSAI के द्वारा दी गई है। यह FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। FSSAI किस तरह की निकाय है? सांविधिक निकाय है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवदार का वृक्ष कहाँ खोजने का दावा किया गया है? जम्मू एवं कश्मीर, भारत में। हम अगला देखेंगे। इसके तने का व्यास कितना है? 54 फीट। जो देवदार का वृक्ष है जम्मू कश्मीर में खोजा गया है, इसकी लंबाई 54 फीट है। देवदार किस तरह का वृक्ष है? समशीतोष्ण शंकुधार वृक्ष है। और मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम किसने लॉन्च किया है? सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इस शोरूम का नाम दिया गया है सेनोकोर्स। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौता किया है? गायत्री परिवार के साथ यह समझौता किया है नशा मुक्त। ये जो नशा मुक्त समझौता है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एडाप्ट ए स्कूल एक योजना के कार्यान्वयन का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने एडाप्ट ए स्कूल। भारत के किस मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? जो होयसल मंदिर समूह है उसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। या भारत में यूनेस्को का कौन सा विश्व विरासत स्थल है? यह है होयसल मंदिर को लेकर यह 42वां है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस समूह राज्य से संबंधित है? यह कर्नाटक में होयसल जो मंदिर है यह कर्नाटक राज्य में है। इन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? होयसल वंश के शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण कब हुआ था? 12वीं और 13वीं शताब्दी में। इन मंदिर का निर्माण किस शैली में हुई? बेसर शैली में। इस मंदिर समूह में कौन से मंदिर शामिल हैं? इस मंदिर समूह में कौन से मंदिर शामिल हैं?
इस मंदिर में चेन्ना केशव मंदिर, वैशालेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। किस राज्य के अत्रियोपुरम कुथारकुला के पारंपरिक मिठाई को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश में? याद रखिएगा, एक अत्रेयापुरम और कुथारकुला को मतलब जीआई टैग मिली है, या आंध्र प्रदेश की एक मिठाई है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर हेतु भारत की पहली समर्पित ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? दिल्ली में यह शुरू किया गया है। दिल्ली में किस अस्पताल में शुरू किया? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। अगला देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया है? इसका सम्मेलन का आयोजन 20-21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में यह शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इसका आयोजन किसके द्वारा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा एशिया प्रशांत फोरम के द्वारा किया गया था। इसका एशिया प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का सम्मेलन 20-21 सितंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इतना याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला हम देखेंगे, ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है, अगला हम देखते हैं। अगला देखिए, नई दिल्ली में किस हवाई अड्डे पर उड़ान भवन, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, का उद्घाटन किया गया है? सफदरगंज हवाई अड्डा पर उद्घाटन किया गया, उड़ान भवन का उद्घाटन यहीं हवाई अड्डे पर किया गया है। सफदरगंज हवाई अड्डा एक है दिल्ली में, वहीं पर इस उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है। भारत के नए संसद में पहली बैठक कब आयोजित की गई? 19 सितंबर 2023 को नई संसद भवन में 19 सितंबर 2023 को पहली बैठक का आयोजन किया गया था। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, 28 मई 2023 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने किस राज्य की सरकार को भोज वेटलैंड को मोटर चालित नौकाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया है? मध्य प्रदेश की नौकाओं को बंद करने का आदेश दिया है NGT ने। भोज वेटलैंड किस शहर में स्थित है? भोपाल में। भोज वेटलैंड किस नदी पर स्थित है? कोलन नदी पर यह स्थित है। भोपाल झील और भोज ताल को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट यानी वेटलैंड्स घोषित किया गया है? वर्ष 2002 को। किन राज्य सरकारों ने तेंदुओं की आबादी के प्रबंधन के लिए नसबंदी करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने तेंदुओं की आबादी के प्रबंधन के लिए नसबंदी करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने किस स्थान के आसपास तेंदुओं की नसबंदी का प्रस्ताव रखा है? जो गैर राष्ट्रीय उद्यान है इसी में नसबंदी करने के लिए स्थान चुना है। और तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तेंदुओं को IUCN ने रेड लिस्ट के किस सूची में रखा है? सुबेद में। इसके लिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस सूची में रखा गया है? अनुसूची एक में रखा गया है। किस राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया है? पंजाब ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये प्रायोगिक परियोजना शुरू किया है पंजाब ने। इसके अंतर्गत फसल की खेती की जाएगी बासमती चावल के लिए। किस उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है? कोनो राष्ट्रीय उद्यान में। और प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष का पूरे हुए 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कोनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते छोड़े गए थे? 8 चीते छोड़े गए थे। अगला हम देखेंगे, 18 फरवरी 2023 को किस देश के द्वारा 12 चीते को पुनः इस उद्यान यानी
कोनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। भारत के किस वर्ष चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था? वर्ष 1952 में। कोनो वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। यह कोनो कहाँ है आप लोग बताइए, मध्य प्रदेश में है। कोनो वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 2018 में। कोनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग कल करेंगे।